हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए मिर्ची बड़े की रेसिपी लेकर आई। इसके लिए मैं बड़ी साइज़ की मिर्ची ले रही हूँ दोस्तों। उसको हम बीच में से कट लगाकर सारे बीज निकाल देंगे। अब एक बर्तन में हम 2 कप बेसन लेंगे दोस्तों। इसमें 1 चम्मच में अजवाइन ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून में लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ दोस्तों, और 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे। पूरा पानी एक साथ मत डालिएगा दोस्तों। और इसका एक घोल रेडी करेंगे। ये नॉर्मल घोल होना चाहिए, ये ज़्यादा मोटा ना हो, ध्यान रखें। अब हम इस घोल को 10-15 मिनट ढक कर रख देंगे, जब तक हम हमारी स्टफिंग रेडी करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में मैं 2 चम्मच ऑयल डाली हूँ दोस्तों। ऑयल गरम होने के बाद मैं इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ काट कर डालूँगी। एक हरी मिर्च भी काट कर डाल देंगे दोस्तों। इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज भी मैंने काट कर रखे थे, वो मैं इसमें डाल रही हूँ दोस्तों। प्याज डालने के बाद प्याज को सॉफ्ट होने तक हम 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे दोस्तों, मीडियम फ्लेम पर। अब मैं इसमें 3 मैश किए हुए आलू डाल रही हूँ, जो मैंने पहले उबाल कर रख लिए थे दोस्तों, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट बाद मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी दोस्तों। 1/2 टेबल स्पून में हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून में लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और 1 चम्मच में इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 चम्मच में इसमें अमचूर पाउडर भी डालूँगी दोस्तों, और मैंने हरा धनिया धोकर काट के रखा था, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इसे अलग प्लेट में खाली कर देंगे दोस्तों। अब हमारी मिर्ची स्टफिंग और जो हमारा घोल है वो तीनों रेडी है। अब इस मिर्ची में हम स्टफिंग्स को अच्छे से फिल करेंगे। इसे एंड से टॉप तक पूरा अच्छे से फिल करेंगे दोस्तों, कोई भी जगह आप खाली ना छोड़ें। बिल्कुल इसी तरह भरिएगा दोस्तों। अब कुछ मसाला हम इस मिर्ची के बैक साइड में भी लगा लेंगे। मैं दोनों हाथों से इसको अच्छे से दबाकर हम फिल करेंगे। सेम इसी तरह हम सारी मिर्ची भी फिल कर रख देंगे। और ये हमारी मिर्ची और ये जो हमारा घोल था वो दोनों ही रेडी है। अब इस मिर्ची को पीछे से पकड़ कर हम इस घोल में डिप करेंगे दोस्तों, और इसे गरम तेल में डाल देंगे। सेम इसी तरह हम सारे मिर्ची बड़ों को इस तेल में डाल देंगे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे जो मिर्ची बड़े बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।